अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर। तो पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 दी डाइंग सन के क्वेश्चंस आंसर किए थे, और आज हमारा लेसन नंबर 2 है यूजिंग दी साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल। तो इसके बारे में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आए हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ दी साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, कि साइंटिफिक मेथड हमें किस तरह डिजीज़ के खिलाफ फाइट करने में, मुदाफ़त दिखाने में हेल्प करता है। दी साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़ बाय कंट्रोलिंग डिजीज़ एंड फाइंडिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी डिजीज़। कि जो साइंटिफिक मेथड है ये हमारी मदद करता है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में, उसको बीमारी को रोक कर और उसका इलाज ढूंढ कर। 7 out of 8 बेबीज डाइज बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, कि हर 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे अपनी पहली बर्थडे पहुंचने तक। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज वाज इंडीड फॉर्चून, और जो शख्स 30 साल से ज़्यादा उम्र की ज़िंदगी गुजार लेता था ये एक बड़ी खुशकिस्मती समझी जाती थी। टुडेज़ बॉय बी आर बोर्न इन हॉस्पिटल, कि आजकल बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं। वेयर दे आर क्वाइट सेफ फ्राम डिजीज़, जहाँ वो हर किस्म की बीमारियों से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। टुडे अ पर्सन कैन एक्सेप्ट टू लिव मोर देन 70 years, आजकल के लोग तवक्को कर सकते हैं कि हम 70 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी सकते हैं। These chances have been made possible by use of the scientific method to control the disease and finding its preservation. तो ये chances पैदा हुए सिर्फ इस वजह से कि हमने scientific method को disease को control करने और इसके एहतियात और इलाज दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि write a note on better sanitary conditions available in our cities टुडे एंड कम्पेयर दैम विद दैट दे वर लाइक 100 years अगो, कि हमारे शहरों में जो आज का सैनिटरी कंडीशन हैं उनके बारे में लिखें और उनको कंपेयर करें कि 100 साल पहले ये कैसी थी। तो टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड, आजकल हमारे शहरों की गलियाँ पक्की और अच्छी तरह साफ़ सुथरी हैं। दी स्ट्रीट्स आर क्लीन रेगुलरली, हमारी गलियाँ रोज़ाना साफ़ की जाती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड इलीगल टू थ्रो गारबेज इन दी स्ट्रीट, गलियों के अंदर कूड़ा क्रिकेट फेंकना एक तरह का गैर कानूनी समझा जाता है। सीवेज फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ सिटी इज़ कैरीड थ्रू सील्ड पाइप्स टू डिस्पोजेबल प्लांट, और सारे शहर की गंदगी को डिस्पोजेबल प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है सील्ड पाइप्स के जरिए। टुडे मोस्ट सिटीज़ गवर्नमेंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटरी विच कीप द सिटी क्लीन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीजेज, आजकल शहरों के अंदर गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया है जो सैनिटरी के लिए काम करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं और बीमारियां फैलने से रोकते हैं। दी सैनिटरी कंडीशंस वर वेरी बैड 100 years ago, हाउस होल्ड गारबेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन इन टू दी नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन सिटी स्ट्रीट्स, के 100 साल पहले यही सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर थी, जो गंदा कूड़ा क्रिकेट था इन्हें और गलियों में फेंका जाता था, गलियां कच्ची थी और उन शहरों का पानी अच्छा नहीं था। एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स फीडिंग अपॉन दी गारबेज, एनिमल्स गलियों के अंदर घूमते रहते थे और उस गंदगी पर वो खाना खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बैरूने बैतुलखला आम था। पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्राम दोज वेल विच वर पोल्यूटेड बाई ह्यूमन वेस्ट, और लोगों को जो पानी पीने के लिए मिलता था वो इंसानी फजलाजात से भरा होता था। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट आर दी सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम, कि हमारे गांव में आज की सैनिटरी कंडीशंस क्या हैं और इन्हें हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि दी सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेजेस टुडे आर नॉट सो गुड, हमारे गांव की सैनिटरी कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। दी स्ट्रीट्स आर नैरो, गलियां तंग हैं एंड अनपेव्ड, गैर पुख्ता हैं। देर इज़ नो ड्रेन सिस्टम इन दी विलेजेस, कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है हमारे गांव में। आउटडोर टॉयलेट कॉमन है। नो से वाटर इज़ अवेलेबल इन विलेजेस, कोई महफूज पानी अवेलेबल नहीं है। वी कैन इम्प्रूव दी बैड सैनिटरी कंडीशन बाई मेकिंग दी स्ट्रीट वाइड पेव्ड एंड वेल ड्रेन,
हम अपनी इसको सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रीट्स को खुला करके, पुख्ता करके और वेल ड्रेन करके। इंडोर टॉयलेट मस्ट बी इंड्यूस्ड इन दी विलेजेस, इंडोर टॉयलेट को लाया जाओ गांव में। अ जनरल अवेयरनेस मस्ट बी क्रिएटेड अबाउट सैनिटरी कंडीशंस, एक जनरल अवेयरनेस लोगों के अंदर दी जाए, अमोंग द पीपल्स ऑफ विलेजेस बाय रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड विजिट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। न्यूज़पेपर्स के जरिए लोगों को, टेलीविजन के जरिए विजिट्स करें हेल्थ वर्कर्स घरों को, और वो भी दे सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दी फूड, कि साइंटिफिक मेथड हमें किस तरह खुराक को महफूज बनाने और उसकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। आंसर है जी, द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय इन्वेंशन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, कि ये हमारी मदद करता है प्रोडक्शन बनाने में, कि हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाएँ, खादें तैयार करें और पेस्टिसाइड, मतलब फंगसाइड बनाएं। द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मैथड हैज़ हेल्प्ड इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाई इंट्रोड्यूसिंग द मैथड ऑफ किनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, साल्टिंग एंड फ्रीजिंग। और हम खुराक को महफूज बना सकते हैं किनिंग के ज़रिए, पिकलिंग के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए, साल्टिंग के ज़रिए या फ्रीज करके, ठीक है। मॉडर्न मैथड्स ऑफ दिस सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन हैज़ आल्सो हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और आजकल जो मॉडर्न है वो मॉडर्न मेथड्स हैं वो तो सेलेक्टिंग है, ग्रेडिंग है, प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, ये भी हमें हेल्प करते हैं फूड को इम्प्रूव करने में। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वाई वी आर नॉट जनरली लेस फेयरफुल देन अवर एंसेस्टर, वट वार अवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ, कि हम आजकल कम डरते हैं अपने अबो अजदाद से, इसकी क्या वजह है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन अवर एंसेस्टर, कि हम उनसे कम डर महसूस करते हैं अबो अजदाद से, बिकॉज वी आर मोर एजुकेटेड एंड डू नॉट बिलीव सुपरस्टिशियस बिलीव, कि हम उनसे ज़्यादा तालीम याफ्त हैं और सुपरस्टिशियस बिलीव पर नहीं रखते, मतलब अनहोनी पे। अवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीव लाइक ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13, दे बिलीव दैट डिजीज वर कॉज बाई ईवल स्पिरिट्स, वो इस पर यकीन रखते थे कि जो बीमारियां ये बुरी बलाओं या बुरी बदरुओं की वजह से आती हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज द साइंटिफिक मैथड हेल्प अस टू गट ओवर द ओल्ड फियर्स, के साइंटिफिक मैथड हमें हेल्प कैसे करता है कि हम अपने पुराने डरों पर काबू पा सकें। इसका आंसर है जी, साइंटिफिक मेथड है नीड्स प्रूफ, साइंस नीड्स प्रूफ, साइंस को साइंस प्रूफ मांगती है किसी भी चीज़ के होने का। बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से वी हैव लर्न दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन फॉर एवरीथिंग, हम ये सीखते हैं कि हर चीज़ के लिए एक अच्छी कुदरती वजह होती है, दैट हैपन्स टू दी पीपल, जो लोगों के साथ होती है। दी साइंटिफिक मैथड हैज़ एनेबल अस टू गेट ओवर दी ओल्ड फियर, साइंटिफिक मैथड हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने पुराने डरों पर काबू पा सकें, बिकॉज देयर इज साउंड बेस और सॉलिड प्रूफ फॉर देम, बिकॉज क्योंकि उनके लिए कोई मजबूत या ठोस सबूत नहीं होता उनके होने का। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में मोस्ट ऑफ दी पीपल, और इसके रिजल्ट में बहुत से लोग ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर या नंबर 13 का डर नहीं रखते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन दी लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन पास्ट, गिव एग्जांपल, कि एस्ट्रोलॉजी जो है सितारों का इल्म, ये लोगों की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता था, लोगों मर्दों और औरतों की ज़िंदगी में पुराने दौर में, एग्जांपल्स दें। तो एस्ट्रोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन दी लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एस्ट्रोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करता था इंसानों और मर्दों और औरतों की ज़िंदगी में। पीपल बिलीव दैट ऑल देयर एक्शन वर कंट्रोल्ड बाई द स्टार्स, लोग ये यकीन रखते थे कि उनके तमाम जो अमाल हैं या वो हरकतें हैं वो स्टार्स, जो सितारे हैं उनके जरिए कंट्रोल की जाती हैं। दे थाट देयर बैड एंड गुड लक डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, वो ये भी सोचते थे कि उनके अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत जो है वो भी स्टार्स की मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। देयर लाइव्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई दी गुड लक एस्ट्रोलॉजी, उनकी ज़िंदियाँ जो हैं वो बड़ी हद तक सितारों के इल्म पर मबनी हो चुकी थी। दैट वॉज वाई दे बिलीव इन ब्लैक कैट्स, यही वजह थी कि वो लोग
ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर, टूटे हुए शीशे, ये नंबर 13 पर भी बिलीव रखते थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशियस स्टिल करंट इन अवर कंट्री, कि कुछ ऐसे ख्यालात के बारे में बताएं जो अभी तक हमारे कंट्री में मौजूद हैं। वाई डू दे अफेक्ट द लाइव ऑफ दोज हु बिलीव इन दम, और ये किस तरह उन लोगों की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं जो आज तक इनमें बिलीव रखते हैं। तो इसका आंसर है जी, वीरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, बिलीविंग दैट डिजीज आर कॉज बाई इविल स्पिरिट्स, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर मोस्ट ऑफ द सुपरस्टिशियस स्टिल करंट इन अवर कंट्री, कि किसी किस्म का अच्छा लिबास पहनना या दिलकश वाला, बिलीव दैट डिजीज आर कॉज बाई इविल स्पिरिट्स, ये यकीन रखना कि बीमारियां जो हैं ये कुदरती नागहानी आफात की वजह से आती हैं, सितारों के इल्म पर और अपनी किस्मत का हाल बताने वाले, ये कुछ टाइप के हैं सुपरस्टिशियस जो हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं। दीज सुपरस्टिशियस इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम इन डिफरेंट वेज, ये उनकी जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं जो इन पर बिलीव करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। दे बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, ये लोग अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत के निशानों पर यकीन रखते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ये ब्लैक कैट्स से डरते हैं, ब्रोकन मिरर से डरते हैं एंड दी नंबर 13 से, इन तीनों चीज़ों से डरते हैं। दे वेयर सम काइंड ऑफ चार्म टू अवॉइड बैड लक, और ये किसी किस्म के दिलकश कपड़े और शोक कपड़े पहनते हैं ताकि ये अपनी बैड लक से अवॉइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा चैप्टर लेसन नंबर 2, यूजिंग दी साइंटिफिक मेथड के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये बहुत ही ईजी थे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लेसन नंबर 3, व्हाई बॉयज़ फेल इन दी कॉलेज की शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।